हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुक विद राज पे। आज हम बनाएंगे आलू सहजन का सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सहजन कट कर ली हूँ, ये हल्का छीलना है, पूरा नहीं छीलना है। और 250 ग्राम सहजन है, दो आलू है बड़े साइज का, ये मैं लंबा में कट कर रही हूँ, आप गोल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे है 5 फोरन, और यहाँ पे है मैं ली हूँ लहसुन, पीली वाली सरसों है, और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसको मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी। और यहाँ पे है 1 टमाटर जो मैं कट करके डालूँगी। मेरा मसाला पिसा चुका है, देखिए अच्छे से निकाल लेंगे कटोरी में। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये कलर आने के लिए थोड़ा सा तीखा ला। यहाँ पे मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब डालेंगे सरसों तेल। सहजन को मैं फ्राई करूँगी, ये फ्राई करने से इसका कच्चापन निकल जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, 2 मिनट फ्राई करेंगे इसको, अच्छा से फ्राई करेंगे। और अब निकाल लेंगे इसको। अब डालेंगे 5 फोरन, डालेंगे अब आलू, इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट, अच्छे से फ्राई करें, इसको चलाते रहें ताकि ये जले नहीं, मीडियम फ्लेम पे आपको भूनना है। अब डालेंगे सहजन जो मैंने फ्राई करके रख लिया था। अब हम डालेंगे मसाले, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, 5 से 10 मिनट भूनेंगे इसको। ये अच्छा से भुना जाएगा तो पानी डालेंगे इसमें, ये मीडियम फ्लेम पे भूनना है इसको। अब डालेंगे टमाटर, ये टमाटर के बिना सब्जी अच्छा ही नहीं लगता है खाने में, ये ढक देंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे चलाते रहेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब्जी ये। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर ढक देंगे, फिर भूनेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए कितना अच्छा सब्जी भुना चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, और हेल्दी भी होता है ये बहुत। देखिए मेरा सब्जी लगभग भुना चुका है, अच्छे से इसको भूनते रहें। अब हम डालेंगे पानी, यहाँ पे 1 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपको चावल के साथ खाना है तो आप ग्रेवी ज़्यादा रखें, रोटी के साथ खाना है तो कम रखें, ये सब्जी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, उतना ही अच्छा लगता है ये खाने में भी, ये बहुत हेल्दी होता है। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक।